प्रियंका का आपका स्वागत है। सोलन में चुनाव पास आते ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों आक्रामक हो चुके हैं और प्रत्यारोपों का दौर आरंभ हो चुका है। सोलन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां भाजपा उपाध्यक्ष सोलन में एक बैठक के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए वे बकलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। सोलन में चुनाव पास आते ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों आक्रामक हो चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी आरंभ हो चुका है। सोलन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां भाजपा उपाध्यक्ष सोलन में एक बैठक के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए वे बकलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा मंडी के प्रत्याशी रामस्वरूप को गायब बताने वाली टिप्पणी पर गणेश दत्त बेहद सुर्ख नजर आए। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह बुजुर्ग हो चुके हैं, शायद यही वजह है कि उनकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं। यही कारण है कि रामस्वरूप जो हमेशा जनता के बीच रहते हैं, वे उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष के नेता जब प्रधानमंत्री पर टिप्पणियां कर सकते हैं, तो उनके अन्य नेताओं से अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस कीचड़ में डूबी भैंस बन चुकी है, जो सिर्फ कीचड़ उछालने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। वास्तव में वीरभद्र सिंह जी काफी बुजुर्ग नेता हैं, उनको शायद दूर से दिखता कम होगा, क्योंकि जो रामस्वरूप शर्मा जी हैं वो गायब नहीं है। 5 साल से लोगों के बीच में हैं और लोगों की समस्याओं को लेकर के लोकसभा में भी और लोकसभा के बाहर भी अपनी जो उनकी जो प्रतिबद्धता है जनता के प्रति, उसको निभा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी वास्तव में आज एक हारी हुई लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रही है, इसलिए वो बौखलाहट में कभी कुछ कह देते हैं। जो पार्टी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को चौकीदार चोर है बोल सकती है, तो उस पार्टी के नेतृत्व पर और उस पार्टी के नेताओं पर जनता क्या विश्वास करेगी, जिस प्रधानमंत्री ने इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त किया है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, और 5 साल में एक भी मामला कहीं पर भ्रष्टाचार का देखने को नहीं मिला है। तो आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति एक जो कीचड़ में डूबी हुई भैंस है, वो दूसरों पर कीचड़ फेंकने का प्रयास करती है अपने पूंछ के माध्यम से, वो स्थिति आज कांग्रेस पार्टी की है। भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने बताया कि नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई, जिसके तहत कानून व्यवस्था, रैली की संख्या और यातायात व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, इसको लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि आज सभी कार्यकर्ता अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार सोलन में करीबन 1 लाख कार्यकर्ता जुटेंगे और यह एक विशाल रैली होगी। उन्होंने कहा कि उनका नारा है कि इस बार भाजपा 400 पार और हिमाचल में 4 की 4, इस लक्ष्य को वे पाने के लिए अग्रसर है और जिसे वे हर हालात में हासिल करके रहेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव रैली का कार्यक्रम है और 13 तारीख को सोलन में उनकी रैली होना निश्चित हुआ है। इस संबंध में सोलन और शिमला जिला के प्रमुख नेताओं की आज यहाँ पर बैठक हुई है, व्यवस्थाओं को लेकर के, यातायात को लेकर के, संख्या की दृष्टि से और एक भव्य कार्यक्रम हो उसकी दृष्टि से ये बैठक हुई है। इस बैठक में हमारे संगठन महामंत्री पवन राणा जी और इस पार्लियामेंट के दोनों मंत्री सुरेश भारद्वाज जी और राजीव सहजल जी और हमारे वर्तमान सांसद श्री वीरेंद्र कश्यप जी इस बैठक में मुख्य तौर पर उपस्थित हैं। मुख्य रूप से क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का आज सारे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा आकर्षण है और कार्यकर्ता और आम जनता स्वयं ही उनको सुनने के लिए एक भीड़ के रूप में उमड़ पड़ते हैं, तो उसी व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि कहीं पर कोई अव्यवस्था ना हो और ठीक प्रकार से रैली का संचालन हो, उसके लिए ये आज की बैठक की जा रही है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार का उत्साह जिलों में और मंडलों से मिला है, 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि शिमला और हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें हम लोग जीत रहे हैं। और हमारा नारा भी है कि अब की बार 400 के पार और हिमाचल में 4 की 4।